चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन प्रीवियस क्लास। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बैकस नॉन फॉर्म से इंट्रोडक्शन, सेंटेक्स एनालिसिस से हमारा इंट्रोडक्शन। तो ये जो पिक्चर हमारे पास बनी हुई है भाई, ये पेज नंबर है हमारा 94, ठीक है, जो हमारी टॉपिकल बुकलेट है, पेपर 3 के पेज नंबर 94। सो द फॉलोइंग सेंटेंस डायग्राम हैज अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। उसके अंदर हमने कुछ रूल्स को डिफाइन किया हुआ है कि जो आपका डिजिट है वो 0 से लेके 9 के इन बिटवीन कुछ भी हो सकता है। आपका जो कैपिटल लेटर है वो AEIOU सिर्फ हो सकता है, वोवल्स रखे हुए हैं इसमें जनाब। और जो कैरेक्टर होंगे आपके पास सिर्फ ये वाले होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेन कर दूं कि जब भी कभी इस तरह की पिक्चर को देखें सिंटैक्स एनालिसिस के अंदर, तो हमने इसको किस तरह से देखना है कि जी जब हम कैपिटल लेटर लेने के लिए चलेंगे यहां से यू, तो मिसाल के तौर पे आपको यहां से इस तरफ से नीचे आओगे, यहां से आप गुजरोगे तो आपको ई लेटर मिल जाएगा, तो यहां से लेटर लेके निकल जाओगे। इसका मतलब ये कि एक वक्त में आप एक लेटर को जो है वो करके देख सकते हो। सो एट वन टाइम यू कैन टेक वन लेटर एंड देन यू कैन गो। डायरेक्शन एरो सिर्फ एक तरफ जा रही है, वापस नहीं घूम रही। वापस घूमने वाला सीन जब होगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, उसने सिंटैक्स बता दिया हमें, नीचे जाके उसने हमें यहाँ पे कहा कि राइट द बैकस नर्व फॉर्म नोटेशन फॉर द सेंटेक्स डायग्राम फॉर द कैरेक्टर। कैरेक्टर के लिए बैकस नर्व फॉर्म लिखे, लिख लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। कैरेक्टर को आपने BNF की फॉर्म में कैसे लिखना है, तो BNF के फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखते हैं कि आप लिखिए कि जी कैरेक्टर इज डिफाइंड बाय, ये जो मैंने सिंबल बनाया इसको हम क्या कहते हैं, डिफाइंड बाय, ठीक है। तो इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, दोबारा एक बार हम फिर डिस्कस कर लेते हैं कि दिस पर्टिकुलर सिंबल इज नोन एज is defined by, so character उसको भी हम इस तरह से just like HTML के जैसे आपके पास टैग्स होते हैं उस तरह से, कैरेक्टर इज डिफाइंड बाय अ डॉलर साइन, ये वाला सिंबल, ये सिंबल कहलाता है और, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रहे, सिंबल और, परसेंटेज का साइन और, एंड का साइन और, स्टेरिक का साइन और, हैशटैग का साइन। तो ये हमने अपना पहला BNF बना लिया। सो कैरेक्टर इज डिफाइंड बाय डॉलर साइन और परसेंटेज और एंड और स्टेरिक और, 2 नंबर हो गए इस चीज के। आगे चलते हैं, एकदम ही उसने हमें बड़ा मजे का क्वेश्चन दे दिया। अच्छा, इस लेवल का क्वेश्चन करने के लिए मुझे तुम लोगों को थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चंस करवाने पड़ेंगे, थोड़े से बेसिक लेवल के, ताकि ये जो एरो पीछे घूम रहा है उसके पीछे घूमने के अंदर क्या राज है। तो इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं इस टॉपिकल बुकलेट वाले क्वेश्चन को पॉज कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ चैप्टर 16 सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारे पास जो नोट्स है, अच्छा यहाँ पे क्लिक करोगे तो वही नोट्स ओपन होंगे, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, आप भी डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है। 3.4 सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेम, एब्सोल्युटली सेम। तो जो पेज नंबर यहाँ पर होगा वो तुम्हारे पास भी आओगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास BNF का, ठीक है। इसमें यहाँ इस जगह पे बाकी सारी चीजें तो काफी सिमिलर है, डिजिट भी तकरीबन वैसे ही डिफाइन किया हुआ है, ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। यहाँ पे देखो अनसाइन इंटीजर को उसने किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, इसको मैं BNF की फॉर्म में कैसे लिखूं, डिफाइन बाय करके। यहाँ एरो आ रहा है वापस की तरफ, पहले तो इसकी तरफ पिक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका कहने का मकसद क्या है। अनसाइंड इंटीजर के अंदर ऐसा इंटीजर जिसका साइन नहीं होगा, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसके अंदर डिजिट्स हो सकते हैं, डिजिट्स ये वाले सारे डिजिट हो सकते हैं, लेकिन कैसे, एक डिजिट हो सकता है। अब ये देखो जादू,
एक डिजिट लिया, यहां से घूमकर आ गए वापस, एक डिजिट और हो सकता है, यानी कि दो डिजिट भी हो सकता है। एक डिजिट लिया वापस आए, हमने एक और डिजिट लिया, हमारा दिल किया हमने एक और डिजिट लिया, हमने वापस आए हमने एक और डिजिट लिया। तो ये एक इनफाइनाइट लूप लगा हुआ है आपका। इसको इसके लिए मैं एक वर्ड यूज करता है, क्या वर्ड यूज करता है, रिकर्शन यूज करता है। इसका एक और एक सिंप्लीफाइड वर्जन, एनी लेंथ ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है जो आपका अनसाइंड इंटीजर है, इट कैन बी एनी लेंथ ऑफ डिजिट्स। तो अब ये एनी लेंथ ऑफ को हम जो इंप्लीमेंट करेंगे, क्या बोला था वो बाद में, रिकर्जन के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। तो वो रिकर्जन क्या होती है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो अन साइंड इंटीजर है, इसको आप डिफाइन करने के लिए जा रहे हैं, इज डिफाइंड बाय, इसके अंदर आपके पास एक डिजिट हो सकता है या फिर दो डिजिट हो सकते हैं, डिजिट डिजिट पे लिख दो, और तीन डिजिट हो सकते हैं, डिजिट 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 लिख दो, लेकिन इसमें तो एनी लेंथ ऑफ डिजिट हो सकता है। तो अब देखो इस पिक्चर को भी देखोगे ना, ये देखो अनसाइंड इंटीजर के अंदर एक डिजिट हो सकता है, वापस आए फिर अनसाइंड इंटीजर ने अपने आपको फिर एक्सप्लेन कर दिया, एक और डिजिट हो सकता है, फिर वापस आए फिर अनसाइंड इंटीजर ने अपने आपको फिर खुद एक बार फिर डिफाइन कर दिया। अनसाइंड इंटीजर डिफाइन बाय एक डिजिट या फिर दो डिजिट, दो डिजिट को किस तरह से डिफाइन करोगे, दोबारा अनसाइंड इंटीजर लिख दोगे। अब क्योंकि ये चीज अपने आप को खुद यहां पे दोबारा डिफाइन कर रहे हैं, ये चीज अपने आप को खुद दोबारा यहां पे डिफाइन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, लूप क्रिएट हो जाएगा, बिल्कुल ये वाला लूप, एनी लेंथ ऑफ अनसाइंड इंटीजर्स। तो ये चीज रिकर्जन कहलाती है, रिकर्जन की बेसिकली डेफिनेशन होती है, हमें पता है ना ये डिफाइन बाय लिखा हुआ है, जब कोई चीज अपने आप को खुद डिफाइन करना शुरू कर दे तो उससे क्रिएट हो जाएगा एक लूप, रिकर्जन की डेफिनेशन। व्हेन ए सब रूटीन एंड ए फंक्शन और प्रोसीजर और अ मेथड डिफाइन इट सेल्फ, इट क्रिएट्स अ लूप, रिकर्जन। तो अनसाइंड इंटीजर जो है वो अपने आप को खुद डिफाइन कर रहा है, तो लूप क्रिएट हो जाएगा। हमने ये डिजिट वाली चीज समझ ली, इसलिए समझिए एक सिंपल छोटी सी चीज समझिए, क्योंकि जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिला हुआ था ये वाला, इसके अंदर जरा थोड़ी हैवी किस्म की रिकर्जन हो रही है। यहाँ पे दो तीन चीजें हमारी ठीक है प्री डिफाइन हो रही है। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये वही वाला क्वेश्चन है जो हम ऊपर कर रहे थे सॉल्व, ठीक है, उसे की कंटिन्यूशन में कर रहे। यहाँ पे सीन्स ये हैं कि वो कह रहे हैं कि जो आप पासवर्ड अपना बना रहे हो, इस पासवर्ड के अंदर एक कैरेक्टर होगा, वो तो लास्ट में लेना है आप, हमने एरोस को फॉलो करना है ना, एक कैरेक्टर ले लिया, एक कैरेक्टर को लेने के बाद आपने एक डिजिट लिया और बाहर चले गए, तो आपका जो पासवर्ड है उसमें एक कैरेक्टर एक डिजिट हो सकता है, पॉसिबिलिटी बनी नहीं एरोस बने में। या फिर आपने एक कैरेक्टर लिया, एक डिजिट लिया, और ये देखो एरो बना हुआ, आपने दो डिजिट ले लिए, आपने एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, जितना आपका दिल किया आपने डिजिट्स लेके फिर बाहर निकल गया। एक कैरेक्टर तो शुरू में लाजमी आएगा, इसका मतलब कि ये जो चीज बनी हुई है इसको बोलेंगे एनी लेंथ ऑफ डिजिट, डिजिट की कोई लिमिट नहीं है, एनी लेंथ ऑफ डिजिट ऐड कर सकते हो कैरेक्टर के बाद। या फिर इसको यहां से भी देखो, एक कैरेक्टर लिया और एक कैपिटल लेटर लिया, एरोस बने हुए, दो कैपिटल लेटर्स लिए, तीन लिए, एनी लेंथ ऑफ कैपिटल लेटर्स लेके निकल गया, ये भी वैलिड है। एक लास्ट चीज ये भी हो सकती है कि आप जब इसको डिफाइन करोगे कैरेक्टर कैपिटल लेटर यहां से इधर चले गए, डिजिट डिजिट फिर कैपिटल लेटर, इसमें
करेक्टर के बाद एनी लेंथ ऑफ खाली डिजिट भी हो सकते हैं, करेक्टर के बाद एनी लेंथ ऑफ सिर्फ कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं, और करेक्टर के बाद एनी लेंथ ऑफ डिजिट्स और कैपिटल लेटर्स दोनों भी हो सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज हो गई। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम पहले एक सिंपल कोड बना लेंगे कि यार ये चीज बना लेते हैं, डिजिट और ये चीज, इसको हम कह देते हैं कोड वन। कोड वन का मतलब एनी लेंथ ऑफ डिजिट, ऊपर लिख देते हैं ताकि ज्यादा हमें क्लियर हो जाए। ये कोड वन डिफाइन कर दो, कोड टू को कैसे डिफाइन करो? कैपिटल लेटर्स, एक कोड टू डिक्लेयर करते हैं जिसमें एनी लेंथ ऑफ कैपिटल लेटर, कोड वन एनी लेंथ ऑफ कैपिटल एनी लेंथ ऑफ डिजिट्स। तो ये दो सेपरेट सेपरेट पहले कोड्स बना लें, विल डिस्ट्रीब्यूट इन इनटू कोड्स, बिल्कुल आसान। अब किसी ने कोड वन कोड टू की जगह कुछ और लिख दिया तो भी चलेगा, इसको हम खुद डिफाइन कर सकते। तो हम एक बीएनएफ बना लेते हैं, कोड वन डिफाइन बाय, उसमें एक डिजिट हो सकता है, एक छोटे के साथ डिजिट लिखा हुआ, हम छोटे के साथ लिखते हैं डिजिट, या फिर डिजिट और कोड वन, ताकि हम अपने आप को खुद डिफाइन करें और एक लूप क्रिएट हो। अच्छा ये हो गया, फिर आप कोड टू डिफाइन कर दो, और कोड टू जब डिफाइन करेगा तो बोलेगा कि भाई मेरे पास एक कैपिटल लेटर हो सकता है, या फिर कैपिटल लेटर और कोड टू, ताकि यहां पर भी एक लूप क्रिएट हो जाए। सही है। अब कोड टू, कोड वन का मतलब एनी लेंथ ऑफ डिजिट्स, कोड टू का मतलब एनी लेंथ ऑफ कैपिटल लेटर्स। अब हम पासवर्ड को बनाने की तरफ जाते हैं, तो हम पासवर्ड को डिफाइन करते हैं कि पासवर्ड इज डिफाइन बाय वन कैरेक्टर, कैरेक्टर तो शुरू में आएगा ठीक है, और एक कैरेक्टर के बाद कोड वन। तो भाई ये तुम्हारा हो गया पहला कैपिटल लेटर और एनी लेंथ ऑफ डिजिट्स, कोड वन का मतलब एनी लेंथ ऑफ डिजिट्स, या फिर और कैरेक्टर और कैरेक्टर के बाद कोड टू। इसका मतलब यह कि पहले शुरू में तो कैरेक्टर आएगा, उसके बाद एनी लेंथ ऑफ कैपिटल लेटर्स, खाली कैपिटल लेटर्स, ये दूसरी कंडीशन बन गई। और लास्ट कंडीशन बनाते हैं, कैरेक्टर कोड वन कोड टू, कोड वन कोड। तो अब इसको इस तरह से लिख दो, इसका मतलब है कि शुरू में तो कैपिटल लेटर आएगा लेकिन एनी लेंथ ऑफ डिजिट्स और एनी लेंथ ऑफ कैपिटल लेटर्स होंगे। तो दिस इज बेसिकली द एसेंस ऑफ बैकस्लैश फॉर्म। ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपने बीएनएफ बनाना सीखा। एक मैं क्वेश्चन और ढूंढता हूँ आप लोगों के लिए, बड़ा मजे का क्वेश्चन है। उसमें उसने बोला है कि मुझे आप जो है वो सेंटेक्स की डायग्राम बना के दिखाओ। यहाँ पे यार इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेवरल सेंटेक्स डायग्राम्स आर शोन, 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है, और लेटर्स ए सी ई जी आई के एम ओ, कुछ लेटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उनमें से कोई सा भी लेटर हो सकता है। नीचे वेरिएबल बनाने की उसने जो है वो ऑप्शन ये दी हुई है कि आपके पास एक लेटर होगा, मल्टीपल लेंथ ऑफ लेटर हो सकते हैं। भाई देखो ये जो एरो पीछे जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके वेरिएबल के अंदर लेटर्स की तादाद कुछ भी हो सकती है,
नंबर ऑफ आपने लेटर्स लिए, और नंबर ऑफ लेटर्स लेने के बाद आप एक डिजिट लेके चले गए यार। देखो ये एरोस की गेम बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक डिजिट लोगे बस। ये भी हो सकता है कि वेरिएबल बनाते हुए आपने मल्टीपल लेंथ के लेटर्स लिए और डिजिट लिए बगैर चले गए। तो ऑब्वियस है, मेरे ख्याल में समझ गया हम लोग, है ना, कि वो सिंटैक्स के अंदर कहना क्या चाहता। नीचे वो क्या कह रहे हैं कि 9SW सही है या गलत है। देखो ये कह रहा है वेरिएबल वेरिएबल लेटर लिया और मल्टीपल लेंथ ऑफ लेटर लिया, एक डिजिट लेके चले गए, या फिर लेटर लिया वेरिएबल लेंथ के लेटर्स लिए और डिजिट लिए बगैर चले गए। वेरिएबल के उसने सेंटेक्स बता दिया। नीचे कह रहा है कि 9SW लिखा हुआ है सही है या गलत है वेरिएबल, क्यों पहले डिजिट नहीं आ सकता, पहले हर हालत में लेटर आएगा। अच्छा ठीक है, नीचे UWY सही है गलत है। सही है क्योंकि एनी लेंथ ऑफ आप क्या लेटर्स ले सकते हो और डिजिट को स्किप करके जा सकते हो। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि सी पार्ट है, अगर हमें ऊपर वाला पार्ट पढ़ना पड़ा तो पढ़ लेंगे। डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल इज चेंज्ड टू अलाउ वन और टू लेटर्स एंड 0, 1 और 2 डिजिट्स। वो कह रहे हैं कि भाई आपका जो वेरिएबल है ना उसमें एक लेटर भी हो सकता है, आपके वेरिएबल के अंदर एक दो लेटर्स भी हो सकते हैं, आपके वेरिएबल के अंदर एक दो लेटर्स और कोई एक डिजिट भी हो सकता है। ये एक लेटर हो गया, ये दो लेटर हो गया, ये दो लेटर विद 0 डिजिट हो गया, डिजिट है दो लेटर एक डिजिट के साथ हो गया, एक लेटर एक डिजिट के साथ हो गया, ये भी अलाउ है, वन लेटर वन और टू लिखा हुआ है, और आपके पास ये भी अलाउ है। सारी पॉसिबिलिटीज हमने बना के देखे, ठीक है ना, दो लेटर्स हो गए, दो डिजिट हो गए, तो बिल्कुल उसको ड्रॉ कैसे करोगे। एक लेटर, पहले तो हम ये वाली पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, फाइनल वाली, एक लेटर दो लेटर एक डिजिट और दो डिजिट्स और ये बन गया, ये वाला रूल तो बन गया। अब खाली एक लेटर, तो मेरे ख्याल में ये यहां से ये उठा के ये वाला रूल बन गया, दो लेटर 0 डिजिट, यहां से एक लेटर लिया दो लेटर लिए यहां से बाहर निकल गया, तो ये वाला रूल कवर किया। अच्छा, एक लेटर लिया दो लेटर लिए एक डिजिट लिया, यहां से यूं ज्वाइन कर देते हैं उसको, ये वाला रूल भी बन गया। अच्छा ये रूल रह गया, एक लेटर लेने के बाद एक डिजिट, सही है, एक लेटर लिया यहां से आया, एक डिजिट लिया यहां से निकल गया, कैसा, सारे रूल्स बन गया। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी एक तरह से जब आया था तो ट्रिकी था, क्योंकि बच्चे जो है उसको पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा, तो आपको सिंटैक्स डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकती है। अच्छा चले जी, आरपीएन की तरफ मूव करते हैं इंशाल्लाह। गुड, रिवर्स पॉलिश रोटेशन की तरफ जाते हैं। रिवर्स पॉलिश रोटेशन में बहुत सारी चीजें हैं, आज मैं सिर्फ रिवर्स पॉलिश रोटेशन को यूजिंग स्टैक सॉल्व करना सिखाता हूँ, उसकी इनफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म को सॉल्व करना, उसको रिजॉल्व करना, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह अगली क्लास में भी करेंगे, ठीक है। चलें, सबसे बिल्कुल ब्रांड न्यू क्वेश्चन, इसको मेरे साथ मिलके सॉल्व करो। अच्छा मकसद क्या होता है पहले रिवर्स पॉलिश नोटेशन का, मुझे बताओ जल्दी से। ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर 16 के अंदर आरपीएन पढ़ क्यों रहे हैं, आरपीएन होता क्या, व्हाट इज आरपीएन, ये जो पोलिश साइंटिस्ट था उसे नोटेशन क्यों बनाई, इसी के तो दो नंबर है। हाँ देखो, रिवर्स पॉलिश नोटेशन का मेन पर्पस ये है कि जो कंप्यूटर है या जो आपका लैपटॉप है, इवन कैलकुलेटर भी, कंप्यूटर भी कंप्यूटर,
वो लॉ ऑफ प्रेसिडेंस जिसको आप बोडमास रूल भी कहते हो उसको अंडरस्टैंड नहीं करता, और पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स उसको नहीं समझता। इस वजह से हम उसको इक्वेशन इस तरह से बना के देते हैं। इस तरह से जब इक्वेशन बना के हम कंप्यूटर को देंगे वो उसको रन करेगा तो ऑटोमेटिकली आपको करेक्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देगा विदाउट हैविंग एनी पैरेंथेसिस और विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ प्रेसिडेंस। के प्रेसिडेंस में क्या होता है कि पहले मल्टीप्लाई होगा तो फिर ऐड होगा, ऐसे ही होता है ना, आप पहले ऐड करके फिर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसकी खुद ये बेसिकली आरपीएन फॉर्म कहलाती है। तो जब ये सॉल्व हो जाएगा रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट को देखे फिर हम इसकी जो इनफिक्स फॉर्म है वो भी बना के दिखा देंगे। सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ गया ए वेरिएबल, नीचे आपको उसने बताया हुआ है कि ए का मतलब 20 है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं, यहाँ पे 20 लिखेंगे। ओके, ए के बाद हमारे पास आ गया बी। तो जिस जिस तरह से हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी वैसे वैसे हम इसको स्टैक में पुट करते रहेंगे। इसके लिए मैं एक चीज बता दूं, वर्बली बताना उसको पहले लिख लीजिएगा। जब हम आरपीएन को सॉल्व करते हैं यूजिंग अ स्टैक, तो जब कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स आते चले जाएंगे उसको हम स्टैक के अंदर स्टैक करते चले जाएंगे, और जैसे ही कोई ऑपरेटर आएगा तो स्टैक पे सबसे टॉप पे जो दो वैल्यूज रखी हुई होंगी उसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ऑपरेशन परफॉर्म करके उसके रिजल्ट को दोबारा स्टैक पे पुश कर देंगे। सही है? तो ये इसके रूल्स हैं। सबसे पहले हमें ए मिला, हमने 20 को पुश कर दिया, उसके बाद बी हमें मिला, बी की वैल्यू 3 थी, हमने उसको भी पुश कर दिया। पुश करने के बाद हमारे पास आ गया ऑपरेटर, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जब ऊपर की, अभी तो खैर है हमारे पास दो वैल्यूज, ऊपर की दोनों वैल्यूज को पॉप करोगे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं, तो जो पहले पॉप होगा वो इधर आएगा, फिर आएगा आपके पास ऑपरेटर, और जो बाद में पॉप होगा वो इधर आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि समटाइम जब आप माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे तो किसको कहाँ रखना है उससे आपकी वैल्यूज के ऊपर बड़ा फर्क पड़ेगा, वो प्लस हो जाएगी या माइनस हो जाएगी। 20 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 60 आपने वापस पुश कर दिया। सही है? उसके बाद आपको अगली वैल्यू वैल्यू मिली 2 ऑपरेटर के बाद, तो आप कॉन्स्टेंट्स को और वेरिएबल्स को पुश करते हैं, आपने पुश कर दिया, दोबारा ऑपरेटर आ गया। देखो वो जो मैंने बात बताई थी ना कि किसको पहले लिखना है किसको बाद में, कितना मैटर करता है। ऑपरेटर परफॉर्म करना है, टॉप की दो वैल्यूज पॉप करेंगे, जो पहले पॉप करेंगे इधर आएगी, ऑपरेटर आएगा, और जो बाद में पॉप करेंगे वो इधर आएगी। सही है? 60.2 कितना हो गया? रिजल्ट आपने दोबारा यहाँ पे पुश कर दिया। उसके बाद एक ऑपरेटर आपको दोबारा मिला, तो 30 के ऊपर आपने 10 को पुश कर दिया। उसके बाद फिर आपको एक और ऑपरेटर मिला डी, तो 30 10 और डी का वैल्यू आपके पास है 5, आपने 5 को यहाँ पे पुश कर दिया। सही है? उसके बाद आया अपॉन, तो भाई अपॉन में तुम क्या करोगे, टॉप की दो वैल्यूज को पॉप करोगे, पहले वाली वैल्यू इधर आएगी, दूसरी वाली वैल्यू आएगी इधर, 5 2 10 सही है ना। और जब आपके पास रिजल्ट आएगा तो आप उसको वापस कर दोगे। अच्छा मैं ही भी पुश कर देते हैं ना इसको, 30 आपके पास आंसर आएगा 2। सही है ना? ओके, उसके बाद आपने क्या किया, स्टैटिक परफॉर्म किया। जब स्टैटिक किया तो आप क्या करेंगे, आप इसको इस तरह से करेंगे कि पहले आप लिखेंगे जो पहले पॉप होगा इधर, जो बाद में पॉप होगा इधर, 32 है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आंसर आएगा 60। ठीक है एवरीबॉडी, 60 विल बी द आंसर। नाउ बाय लुकिंग एट दिस चार्ट हम इसको इनफिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो सबसे पहले आपने यहाँ पे ए को पुश किया था, ये तुम्हारा ए था, ये बी था, और हमें पता है कि ये जो रिजल्ट आपके पास मल्टीप्लीकेशन का जनरेट हुआ था, ये आपके पास क्या है, ये बेसिकली आपके पास ए मल्टीप्लाई बाय बी है।
मैंने ए मल्टीप्लाई बाय बी इस तरह से लिख दिया, ठीक है। आगे गए, आगे जाने के बाद हमें पता है कि जो 60 हमने पुश किया था, 60 आपके पास, ये तो खैर रिजल्ट था ए मल्टीप्लाई बाय बी का। उसके बाद आपने पुश किया था टू कांस्टेंट, टू कांस्टेंट पुश करने के बाद आपने क्या किया था, डिवाइड, डिवाइड किया था, तो उसका रिजल्ट आपके पास क्या आया था, 30। ऐसे ही है। तो ये जो 30 था आपका, बेसिकली ये 30 था आपका, इसको आपने डिवाइड बाय किया था टू, सही है ना। अच्छा, उसके बाद टू से डिवाइड करने के बाद आपके पास सी और डी आ गया था। सी आपके पास था 10, डी था आपके पास 5, और उसको आपने किया था डिवाइड, और सी और डी को डिवाइड करके आपके पास आंसर आया था 2। तो 10 आपके पास था सी और ये था डी, यानी कि आपने यहाँ पे किया था सी अपॉन डी, ठीक है। और सी अपॉन डी को करने के बाद फिर इस टू को आपने मल्टीप्लाई किया था 30 के साथ, 30 आपके पास इस पूरी इसका रिजल्ट था। तो आप इसको क्या करोगे, सारे को बाद में क्या करोगे, मल्टीप्लाई, कैसा वो जो इक्वेशन थी ना, ये वाली, ये कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रही थी। इस इक्वेशन को देखो हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, आरपीएन की फॉर्म में कन्वर्ट किया और इस तरह से करके दिया, इसको से रन किया। तो ये हमारे अपने मैथमेटिकली ऑन द पेपर लिखने के लिए, और वो जब तुम कैलकुलेटर पे भी इस तरह से लिख के देते हो ना उसको, तो उसको पहले इस तरह की फॉर्म में, आरपीएन की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, स्टैक यूज करते हुए कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, एएलयू परफॉर्म कर करके वापस स्टैक पे वैल्यूज को पुश करता है, और लास्ट में तुम लोगों को रिजल्ट दिखा देता है स्क्रीन के ऊपर, सही है। दिस इज आरपीएन फॉर यू पीपल। आरपीएन का जो इनफिक्स पोस्टफिक्स का हमें थोड़ा सा आइडिया भी ले लिया, बाकी कुछ डायरेक्ट हमारे पास लिखी हुई इंस्ट्रक्शन आएंगी कि ये इनफिक्स है, इसको आउटपुट इसको जो है वो पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करो, यानी कि आरपीएन की फॉर्म में, और ये आरपीएन की फॉर्म में दी हुई है, इसको दोबारा इनफिक्स के फॉर्म में करो, तो वो भी इंशाल्लाह हम करके देख लेंगे, ठीक है। चलो जी, सी यू वेरी सून पीपल, इंशाल्लाह।